गोरखपुर पुलिस ने एक बदमाश व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम बड़कू सोनकर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बड़कू सोनकर पर 28 तरह के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस का मानना है कि इस तरह के आरोपी को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इससे आम नागरिकों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी बड़कू सोनकर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल से रिहा होते ही दोबारा जेल भेज दिया गया है। बड़कू सोनकर है, हमारे घर इसकी शिकायतें हैं कि ये स्मैक भी बेचता है और सट्टा भी बहुत चलाता है। लगातार इसके अपराध 2001 से अपराध कर रहा है, 37 वर्ष का अपराधी है और दुर्दांत अपराधी है। बम कांड, 307 मारपीट के अपराध, छेड़छाड़ के अपराध, इसके अलावा सट्टा चलाना, इसके अलावा स्मैक बेचना और बहुत सारे इसके और भी कई विधाओं में अपराध हैं। चोरियाँ भी इसके, लूट भी इसके ऊपर है। इस अपराधी को हम लोग बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। हाल ही में इसको हम लोगों ने चाकू के साथ भी पकड़ा और इसके समस्त अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के समक्ष मैंने प्रतिवेदन भेजा और उन्होंने रासुका के तहत प्रतिवेदन माननीय जिलाधीश महोदय को भेजा। तो आज इसका वारंट जारी हुआ भी, हम लोगों ने इस पर जिलाधीश की इसकी रासुका की कार्रवाई करते हुए इसको जेल दाखिल करा दिया है।